दिस इज लेक साइड ऑफ नागपुर फुटाड़ा, और फुटाड़ा से डायरेक्ट आपको कनेक्ट करता हुआ आपका इंसेंट जाएगी। नागपुर का मौसम बदल चुका है, बारिश दो तीन दिनों से आ रही है, बहुत अच्छा लगता है और लेक साइड में एक अलग ही मजा आता है। सुकून सुकून है भाई, सुकून। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यहीं से, लेट्स गो। नागपुर के मौसम का मजा लेते हुए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ फुटाड़ा में, और क्या ही बताऊँ यार, एक नंबर नजारा। मतलब अगर कभी नागपुर में आया तो अभी बाहर निकलो, फुटाड़ा आओ, लेकिन पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ, जैसे मैंने मास्क पहना है और हैंड सैनिटाइजर अपने साथ रखा है। ये एंजॉय कर सकते हैं हम यहाँ पे। अगर आप नागपुर के नहीं है, बाहर गए, तो आइए नजारा दिखाता हूँ आपको। नजारे नजारे भाई साहब, नजारे। तो बारिश हो रही है तो चलो चलते हैं शेड में, लेकिन नजारे बहुत सही है भाई। बारिश कब रुकेगी पता नहीं, लेकिन इस बारिश में भीगने का नहीं है, अपने को जाने का है। घर निकलने वाले थे लेकिन यार बारिश आने के वजह से रुकना पड़ा, लेकिन बारिश को भी एंजॉय करने का एक अपना अलग ही मजा होता है। और यहाँ से बिहाइंड द सीन लोग रहते हैं, पता नहीं चलता है व्लॉग में, लेकिन अपना के अपना असली व्लॉग है तो अपन दिखा देते हैं। कैसा मामा? तो अक्षय के साथ मैं आया हूँ, कई बार आपने अक्षय को ब्लॉग में देखा होगा, तो दोनों ऐसे ही घूमने फिरने आए थे और लेकिन बारिश में फंस गए हैं। मौसम बेईमान हो रहा है, कभी भी बारिश आ रही है। बचपन नीडर होता है ना, मतलब बारिश वारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब बचपन में बारिश में भीगते थे, लेकिन अभी अभी तो नहीं भाई, अभी तो अंदर रहना है, शेड के अंदर रहना है, बारिश में बिल्कुल नहीं भीगना है, फिर घर जाना है बारिश रुकने के बाद। बचपन इज ऑसम, सब सही है ब्रो। और आई तो भैया बारिश रुक चुकी है, बारिश रुक चुकी है, ये देखो। और अपने दोस्त का शॉप भी ओपन हो गया, इंस्पायर्ड टैटू आर्टिस्ट है, और कभी अगर फुटाड़ा आए तो जरूर यहाँ पे टैटू जरूर बनाएं। टैटू बनाना हो तो इसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से टैटू बना सकते हैं। तो आइए टैटू शॉप टूर कराता हूँ मैं। दिस इज ब्यूटीफुल बुद्धा पोर्ट्रेट, और ये अभी सागर बना रहा है, इसको कंप्लीट होने का है, लेकिन सी कितना ब्यूटीफुल बनाया है यार, मस्त लग रहा है ना। तो दिस इज सागर टैटू आर्टिस्ट। हाय सागर, फुटाड़ा आता है उसको टैटू बनाना होता है, तो कोई भी टैटू बना सकता है? बिल्कुल, जो टैटू आपको यानी पसंद आता है वो टैटू अपने मेरे पास में लाना चाहिए, और मैं सीधा आपको बता दूंगा कि उसका क्या कॉस्टिंग जाएगा और वो किस तरीके से बनता है। क्या बात है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर दे दूंगा, तो वहाँ से कांटेक्ट करके वो आपको टैटू बना सकते हैं। और डिस्काउंट उसको मिलेगा? डिस्काउंट तो बिल्कुल मिलेगा, अगर इस ब्लॉग से अगर कोई आता है तो बिल्कुल डिस्काउंट मिलेगा, 10% से 20% हमारे डिस्काउंट रहेगा। क्या बात है, जैकी की तरफ से आइए और जैकी को फॉलो कीजिए और उसका ब्लॉग बिल्कुल हिट करवाइए। ऑलराइट जी, तो दोस्त के शॉप से वापस आ चुके हैं घर, और बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो मैंने बनाया है ऑमलेट पराठा। ठीक सही बना है, उतना खास नहीं बना, लेकिन ठीक है, भूख लगी है तो खाना तो पड़ेगा भाई। सो दिस इज़ माई ऑमलेट पराठा, इसमें मैंने ऑमलेट डाला है, इसके ऊपर प्याज और थोड़ा सा सॉस, अब ये ऑरिगेनो डालूंगा, तो इससे थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाएगा। खुल जा यार, एक हाथ पे मोबाइल पकड़ना, एक हाथ से खुलना मुश्किल का। अरे यार थोड़ा सा ओरिगैनो डाल देते हैं, मेयोनीज होंगे तो और मज़ा आ जाएगा इसमें, मेयोनीज डालेंगे बढ़िया पराठा में। हाँ, उसके बाद तो भाई देखना ही नहीं पड़ता, वो ज़्यादा हो गया क्या? ज़्यादा हो गया शायद, ठीक है थोड़ा सा ज़्यादा मेयोनीज चलता है। पराठा खाओ, दर्द पराठा खाता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ, ठीक है।
सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे फुटाड़ा एंड बारिश। बारिश का मजा लेते हुए हम फुटाड़ा गए, अपने दोस्त के शॉप पे गए, फिर घर आए, बहुत सारे काम किए, खाना वाना खाया, पेट पूजा करके अभी वक्त होता है आपको बाय बाय बोलने का। लेकिन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो यार बाजू में वो रेड बटन है सब्सक्राइब का, वो दबा दीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे, है ना यार। आपका सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है और अच्छा काम करने के लिए, है ना, तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी क्या, बाकी सब सही है ब्रो। लाइफ में कुछ भी हो जाए दिल पे हाथ रखने का कहने का सब सही है ब्रो। अडियोस अमिगोस बूम। काबिल वो इंसान है जो बातिल को टुकरा दे, चुल्ले कश्ती वो जो साहिल तक पहुंचा दे, शक्ति वो जो जाहिल शख्स को डांटे चाटे जड़ दे, रुकावट को काटे जड़ से, मंजिल तक पहुंचा दे जड़ से ना।